देखो भाई, अपने स्टिकर लगा रखा है पिस्टल वाला, बाकी मैं ऐसी चीजों को रिकमेंड तो कम ही करता हूँ। 800 लवर होना तो वीडियो को ना फटाफट लाइक करना। तो भाई दो अपने यहाँ पे सबवूफर लगवा रखे चैंपियन सीरीज के, बाकी यहाँ पे ये आपने करवा रखा है यहाँ पे कमेलियन रैप, जो कि आजकल भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे भाई दो दो स्टूडियो लगे हुए, क्या चक्कर भाई? ये मायापुरी से। चलो भाई, मैं मारुति 800 ढूंढ के लेकर के आया था, ठीक है? उस दिन ऐसा हुआ था, मेरे पापा ने पैसे दे के भेज दिया कि जा ले आ तू अपनी मर्जी गाड़ी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज हमारे पीछे जैसे भाई गाड़ी देख रहे हो यार, आप लोग बोल रहे हो यार कि एसेंट दिखा रहे हो, ऑल्टो दिखा रहे हो, लेकिन जो हमें देखनी है ना प्यारी सी अपनी मारुति की सबसे फेमस गाड़ी, वो दिखा दो। तो भाई आज तुम्हारा भाई ना वही ले आया भाई, जैसे अपना देख रहे हो। गाड़ी नाम बताऊं? बता देता हूँ। चलो भाई, गाड़ी का नाम है अपना मारुति 800। मॉडल वगैरह क्या रहने वाला है, क्या क्या भाई गाड़ी के अंदर मोड्स हुए हैं, बोले तो मॉडिफिकेशन, वो सारे बताएंगे भाई गाड़ी के ओनर। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, करते हैं आज की वीडियो शुरू और मिलवाते हैं गाड़ी के ओनर से, लेट्स गो। देखो, जैसे देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले अनिरुद्ध पंडित जी। भाई कैसे हो? बढ़िया भैया। भाई एकदम बढ़िया भाई, जैसा देख रहा हूँ भाई गाड़ी तो बहुत मतलब बढ़िया कर रखी है, कहने का मतलब। हाँ जी। तो भाई सबसे पहले ना आपने ये बताओ गाड़ी का मॉडल कौन सा रहने वाला है? 2010 हुई है। 2010 मॉडल है गाड़ी का? भाई देख रहे यार, 2010 के तो हम भी ना भाई गाड़ी अभी लेके घूम रहे हैं भाई 2010 मॉडल की। तो भाई मॉडिफिकेशन पे भी आएंगे, उससे पहले ये बताओ निरुद्ध भाई, कैसे तुम्हारा आइडिया आया कि भाई अपनी मारुति 800 की मॉडिफाइड कराना है? और भी गाड़ी मुझे बहुत पहले से छोटी गाड़ी पसंद थी, ठीक है, और छोटी गाड़ी अल्टो 800 बहुत लोगों ने करवा रखी है। बिल्कुल। तो भाई मैं मारुति 800 ढूंढ के लेकर के आया था, ठीक है? उस दिन ऐसा हुआ था, मेरे पापा ने पैसे दे के भेज दिया कि जा ले तू अपनी मर्जी गाड़ी, ठीक है, जो तुझे अच्छी लगे। मैं दूसरी मारुति देख के गया था, वो थी बहुत प्यारी क्वालिटी, मतलब उसमें कंडीशन में, ठीक है। मुझे ये मिली, इसकी कंडीशन थोड़ी हल्की थी, ठीक है, और मैं इस वजह से इसे ले आया। दोस्त से 10,000 रुपए और अरेंज करवाए, ठीक है, कि पापा घर आके मना ना कर दे कि ला तू पैसे दे, मैं कोई दूसरी देख लूंगा। देख लेता हूँ, सही बात है, ये मुझे ऐसे मिली थी। तो मतलब अभी इसमें जो काम करा है बहुत दिल से करवा रखा है? हाँ भाई, बड़े प्यार से। चलो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, जैसे अपना देख रहे हो भाई, वैसे भी ना बहुत बच्ची सी लग रही है, बहुत क्यूट सी लग रही है देखने में। फ्रंट फेसिंग लुक देखो भाई गाड़ी का, कितना प्यार आ रहा है भाई। की गाड़ी का नंबर अपना 426 अपना गुड़गांव का गाड़ी का यहाँ पे नंबर रहने वाला है, जैसे अपना देख रहे हो। बाकी स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। अनिरुद्ध भाई आप बताओ, मैं तो अलॉय व्हील से शुरू करता हूँ, आप बताओ कहाँ से शुरू करें? भैया अलॉय से शुरू कर ले। अलॉय से कर ले। चलो भाई, तो अपने जैसे देख रहे हो भाई, कितने इंच के अपने अलॉय इंस्टॉल करवा रखे हैं? 14 इंच के भैया। 14 इंच? हाँ जी। तो भाई अपने जैसे देख रहे हो 14 इंच के भाई अपने अलॉय इंस्टॉल करवा रखे। तो भाई ये नए लगवाए थे, पुराने लगवाए थे? लगवाए थे भाई मायापुरी से। मायापुरी से? चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। बाकी भाई आपको टायर की एक बार प्रोफाइल आप लोगों को बताता हूँ, आगे तो मुझे कभी मिलती नहीं है, पीछे ही मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई जैसा देखो, ये भाई 165x65R14। तो भाई ने मैं जैसा बताया भाई 14 इंच के अपने अलॉय है। तो कंपनी से कितने आते हैं इसके अंदर? कंपनी से 12। तो भाई 12 से ना भाई यहाँ पे 14 ले गए हैं। तो मैंने जैसा देखा है बंदे तो भाई 16 भी लगवा रहे हैं, 17 भी लगवा रहे हैं मारुति के 800 के अंदर। तो आप मतलब कैसे? उससे सस्पेंशन में ना वो मतलब कंफर्ट नहीं रहता। कंफर्ट छोड़ो यार, वही है ना, गाड़ी भी तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ। बिल्कुल। तो भाई जैसे भाई ने बताया, तो इसीलिए भाई ने अपने 14 इंच के लगवाए। तो भाई बाकी ये बताओ, गाड़ी अपनी लोकल में चलती है, बाहर भी सब जगह जाती है? भैया गांव जाता रहूं मैं तो। अच्छा अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इतने? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। तो भाई अपने जैसे देख रहे हो अलॉय व्हील्स का भाई ने जैसे बताया भाई अपने 14 इंच के भाई अलॉय लग रहे हैं, मायापुरी से सेकंड हैंड डलवाए थे। बाकी कितने के लग गए थे उस टाइम? 15 के भैया। 15,000 रुपए? बहुत बढ़िया भाई, अपनी बढ़िया भाई को एकदम डील मिल गई 15,000 रुपए में, और क्या ही लोगे, सही बात है भाई। सही है। तो बाकी भाई अब आते हैं फ्रंट पे। तो भाई फ्रंट में मैं जैसा देख रहा हूँ भाई, ये आपने करवा रखा है यहाँ पे कमेलियन रैप, जो कि आजकल भाई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये देख रहे हो, इतना मेरा कैमरा भी इसको बिल्कुल ले पा रहा है, इतना छोटा सा भाई इसका वो है, लेकिन भाई गाड़ी बहुत प्यारी है, जो बात है। हाँ जी। बिल्कुल। तो भाई बात करें कमेलियन रैप, जैसा आपने भाई अपना ये करवा रखा है, और अपने शीशों पे मैं एक बार दिखाऊं तो भाई जैसा ना इसके शीशे के ना कवर नहीं आते अपने मिरर्स के। हाँ। तो ये ना भाई वही है थोड़ा बहुत, ये प्लास्टिक ऐसी है, इसको चिपकता नहीं, इस वजह से ऐसा आ रहा भाई है। देखो थोड़ा बहुत ना बैक मार लगी जाता है इसके ऊपर, सही बात है भाई। बिल्कुल। तो भाई बात करें निरुद्ध भाई यहाँ पे, तो ये अपना इसमें क्या कॉस्टिंग लग गई थी आपको?
भैया मैंने तो पेटी के साथ में करवाया था, तो मेरे को एग्जैक्ट इसकी कॉस्टिंग पता नहीं है। बिल्कुल, तो चलो पेटी वगैरह म्यूजिक सिस्टम तो अभी सुनाएंगे। हाँ जी ठीक है, अपना जैसा देख रहे हो भाई फ्रंट से कुछ गाड़ी का ऐसा लुक आ रहा है, एक बार भाई बैक पे और चल लेते हैं। बैक पे जाने से पहले ना मैंने एक चीज देखी थी बहुत ट्रेंडिंग चीज जो भाई ने यहाँ पे करा रखी है, तो भाई वो ये देखो भाई अपने स्टिकर लगा रखा है पिस्टल वाला। बाकी मैं ऐसी चीजों को रिकमेंड तो कम ही करता हूँ, बाकी ये भाई सिर्फ फन के लिए है ना भाई। हाँ भैया मजे के लिए है ये। तो भाई ये सिर्फ फन के लिए, कोई सारे भाई ये सोचे कि ये किसी वैसे लगवा रखा है भाई, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि प्रशासन इससे डिस्टर्ब हो। सही बात है भाई? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो अपना जैसा देखो भाई कुछ ऐसा अपना लुक यहाँ पे आ रहा है। बाकी भाई स्टिकर की प्राइसिंग की बात करें कितने का लगे? 100 रुपए का। बहुत बढ़िया भाई, 100 रुपए का अपना मात्र स्टिकर लगा, लेकिन इसकी वजह से लुक देखो यार क्या इनहेंस होकर अपनी गाड़ी का लुक आ रहा है। मेरे को भाई अच्छा लगा ये वाला काम तुम्हारा, बेस्ट लगा एकदम। बाकी यहाँ पे भाई ने थोड़ा बहुत क्रोम वगैरह लगवा रखी है। ठीक है भाई, बाकी ये तुम्हारी प्राइमरी व्हीकल है सेकेंडरी व्हीकल है बोले तो? मतलब मेरा तो प्राइमरी है ये। अच्छा, इसी को ज्यादा चलाते हो? मेरी यही चलती है। चलो भाई ये अपना बाहर से ले जाता हूँ। अच्छा, इसी के पहाड़ वाड़ों में सब जगह? पहाड़ वाड़ में तो भैया दो वो तो बड़ील जाती है। ठीक है, पर हाँ वैसे लोकल में यही घूमती है। गांव भी जाना हो तो मैं इसी से जाता हूँ। बहुत, क्योंकि भैया म्यूजिक सिस्टम का शौक है और किसी में लगवा नहीं रखा, फैमिली चलती है। बिल्कुल, तो इस वजह से मैं तो इसी लेके चलता हूँ। तो जैसा अपना जैसा देखा भाई ने बताया अपना प्राइमरी व्हीकल ये भाई का। बाकी एक बार भाई इसकी डिग्गी उठाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। भाई देखो देसी ऐसा आता था पहले डिग्गी उठाने का। भाई ये डिग्गी का ये बेस की वजह से टूट चुका है। तो भाई ये जैसे देख रहे हो भाई अपने स्पीड वगैरह सारी चीज यहाँ पे भाई उखाड़ रखी है। बाकी अब आते हैं डिग्गी के अंदर जो मेन है। तो भाई दो अपने यहाँ पे सबवूफर लगवा रखे चैंपियन सीरीज के, बाकी यहाँ पे दो ओवल आ जाते हैं। टोटल स्पीकर कितने गाड़ी के अंदर? 6 है भैया। 6 स्पीकर है? तो अपने 6 स्पीकर मेरे हिसाब से भाई ये तो वही तुम्हारा 800-1000 RMS तक जाता होगा। हाँ, तो भाई हाँ। बढ़िया कर देता है एकदम, बहुत मजेदार। चलो भाई म्यूजिक सिस्टम आप लोगों को अंदर जाके सुनाने वाले हैं। बाकी भाई अंदर से क्या क्या कस्टमाइजेशन है एक बार अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो अंदर गाड़ी का भाई कुछ बिल्कुल देसी लुक है एकदम। सही बात है भाई? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो भाई अंदर जैसे हम आए हैं तो यहाँ पे भाई दो दो स्टूडियो लगे हुए, क्या चक्कर भैया? ये स्टूडियो बंद है। ठीक है, ये मुझे नया मिला नहीं था। ठीक है, ये कटिंग हो रखी थी उसमें स्टूडियो की। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अपना पुराना वाला इसमें फिट करवा दिया, क्योंकि ऐसे बिना स्पेस के अच्छा नहीं लगता, बुरा लग रहा होगा खाली स्पेस में, बुरा लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसा देख रहे हो दो है, तो अभी ये ब्लू पंख से अपना सारा आउटपुट निकल रहा है। हां ब्लू पंख से बिल्कुल। तो अपना जैसा देखो भाई यहाँ पे अपने दो छोटे 5 इंच वाले स्पीकर है। हाँ ये सोनी है। अच्छा, ये सोनी इनके अंदर इंस्टॉल भाई ने यहाँ पे करवा रखा है। बाकी बात करें भाई कान पे भी लग रहे हैं पायलट। ये भैया कंपोनेंट है दोनों। अच्छा, ये कंपोनेंट्स लगवा रखे हैं? तो भाई अपना जैसा देखो ये भाई ने यहाँ पे कंपोनेंट लगवा रखे, इनके ट्विटर यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। हाँ भैया, तो इसका मतलब म्यूजिक सिस्टम में टोटल और यहाँ पे भाई अपना बेस कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है भाई, जैसा मैं अपना देख रहा हूँ भाई ये साइड में भी ये काम कराया था, आता है करवाया था ये तो मैंने। ठीक है भाई, अपना सीट कवर के मैचिंग के साथ भाई ने अपने ये गत्तों पे अपना ये लगवा रखा है, जो भी भाई कपड़ा वपड़ा जो भी गद्दा सा रहता है थोड़ा देखने में सॉफ्ट टच के अंदर, वैसे तो कुछ नहीं है। हाँ जी भाई, हाँ जी। तो भाई जैसा मैं देख रहा हूँ आजकल ना इसका ये भी बहुत ज्यादा चेंज करवा रहे हैं, आजकल वो आ रहा है रेड सा, तो वो भी करवा दो बढ़िया लगेगा। वो अब करवाएंगे धीरे धीरे, अब सबका अगर आइडिया दे रहे तो वो भी करवा लेंगे। बाकी भाई अपनी गाड़ी पेट्रोल पे? हाँ भैया पेट्रोल पे, CNG आई थी। हाँ, पहले मेरे इसमें सिंगल बूफर की पेटी थी। ठीक है वाली सीट पे रखता था मैं, 3 आदमी बैठ पाते थे। अच्छा, पीछे वाली तो वो मैंने CNG हटवा दी, अब जब से पेट्रोल पे चल रही है मैंने फिर डबल ऊपर की पेटी करवा दी। बहुत बढ़िया भाई, अपना जैसा देख रहे हो भाई अगर कोई अपना 800 लवर हो ना तो वीडियो को ना फटाफट लाइक करना, उसके बाद अब हम आप लोग लाइक कर दी तो आप सुना दे म्यूजिक सिस्टम। तो भाई आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम सुनाते भाई गाड़ी का कैसा है, भाई जब हम इतना बोल ही रहे हैं भाई भी इतना बोल रहे हैं, तो म्यूजिक सिस्टम में दिखाते हैं क्या जोर है गाड़ी के अंदर। तो भाई हमने आप लोगों को, अब आप बोलोगे भाई फोन ऊपर रख के क्यों दिखाया, भाई वो रीजन यही था कि बेस चेक कराने के लिए गाड़ी के अंदर बेस कितने, क्योंकि भाई हमारा माइक इतना एडवांस नहीं है कि भाई इतने ज्यादा बेस को सह पाए। सही बात है विष्णु भाई,
बिल्कुल। तो भाई ये वाली बात थी, तो इसीलिए भाई फोन रख के आप लोगों को दिखाया। बाकी भाई जैसा देख रहे हो, मैंने पहली नहीं, वैसे मैंने देखी तो और भी है, लेकिन भाई एसी कर रहा प्रॉपर काम एकदम। भैया एसी इसमें बाहर से लगवाया था मैंने, आफ्टर मार्केट लगवाया। जब मैं मायपुर एलॉय लेने के लिए गया था, जब इसका सामान लेकर के आया था मैं, ठीक है, उसके बाद में यहीं गाजियाबाद में फिटिंग करवाई थी। तो भाई जैसा देख रहे हो अपने 800 का कुछ ऐसा एसी आता था भाई, ये अपना कुछ मीटर वगैरह है, ये मेरा डैशबोर्ड भी चेंज है, मीटर भी चेंज है। अच्छा, चारों सॉकर चेंज करवाए थे मैंने, चारों लाइटें चेंज करवाई थी, दोनों बम्पर चेंज करवाए थे, पूरे तो तरीके से नई करवाई थी मैंने। मतलब पैसा खर्च करा हुआ है गाड़ी के अंदर। करा था, मुझे बहुत प्यार है इससे भाई। जैसा देख रहे हो ऐसे ही मुझे प्यार है, मतलब मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी अच्छी लगती है रिव्यू करने के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। हमारे ऐसे ऐसे भाई मिलते हैं जिनको गाड़ी से इतना ज्यादा प्यार है, बाकी आप भी अपनी गाड़ी से इतना ही प्यार करते हो, तो भाई अगर वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो बाकी भाई ये तो अपने सिस्टम वगैरह की बात होगी, टोटल स्पीकर कितने लग रहे हैं इसके अंदर? 6 स्पीकर हैं और 2 अपने सबवूफर हैं, 2 वूफर हैं, ठीक है। बाकी एम्प की बात करें तो एम्प 2 एम्प है, 1 SNB का है, ठीक है, 4 चैनल और हमान का मोनो। तो भाई एक हमान का मोनो है और 1 SNB का है, 4 चैनल एम्प। भाई 2 एम्प टोटल गाड़ी के अंदर लग रहे हैं, बाकी एसी वगैरह करा प्रॉपरली काम भाई ने, ये सब भी चेंज करा रखा है। बाकी एवरेज वगैरह की बात करते हैं, बाहर चल गए, चले भाई बाहर, चलो भाई। तो भाई लोग जैसा हमने आप लोगों को दिखाया भाई अपनी मारुति 800, बहुत ही प्यारी भाई ने यहाँ पे कस्टमाइजेशन करा रखी है। बाकी कराने का तो भाई गाड़ी ना कुआ है, हाँ जी, कितना भी काम करवाते रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, अब मुझे भी इसमें बहुत सारी चीजें कम लगती है। हाँ भाई ऐसे ही होता है भाई, मैंने आप लोगों को ऑलवेज यही बोलता हूँ कि भाई गाड़ी ना कुआ होता है, कितना भी काम करा लो भाई, गाड़ी में काम कभी खत्म नहीं होगा। सही बात है भाई, कभी भी ना ऐसा नहीं है कि आपने अब म्यूजिक सिस्टम लगा लिया तो फिर भाई हमेशा यही मन करता रहेगा ऊपर करते रहे करते रहे। बाकी भाई अभी ना 2 चीज मेरे को कंफर्मेशन कराओ कि गाड़ी के अंदर, एक तो भाई अपना जो है गाड़ी एवरेज कितना निकाल रही है अभी फिलहाल? गाड़ी एवरेज भैया 10 या 12, 10 या 12 ये, हाँ ये। तो भाई जैसा देख रहे हो 10 या 12 का कुल भाई एवरेज यहाँ पे गाड़ी निकाल रही है। लोग ये सोचेंगे कि यूट्यूब पे वीडियो डलेगी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भैया मेरे साथ में आ जाओ, मैं अपने पैसों पे तो मैं सुखदेव घुमा ले आऊंगा। लो भाई और बताओ एवरेज। बिल्कुल, तो वही वाली बात है ना भाई, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि भाई तुम्हारी ड्राइविंग कैसी है, क्या चीज है, कैसा पंजा रख रहे हो। तो भाई गाड़ी मंदी चलती है, तेज चलती है, क्या सीन है? मूड के ऊपर है भैया, मूड के ऊपर है। बाकी भाई जैसे मैं देखता हूँ ना गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग का इशू है इसके अंदर थोड़ा बहुत? वहाँ ये तो है ही, क्योंकि इसमें पावर ब्रेक आते हैं, हाँ, पावर स्टेयरिंग आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो दिक्कत तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होती है ना। हाँ, पर अब मेरे तो हाथ सेट हो गया तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती अब। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। बाकी भाई वही है, जिसकी गाड़ी है वो अपना बढ़िया बता रहे तो हम कैसे बुराई करते। बाकी भाई लास्ट में मुझे एक चीज और बताओ कि गाड़ी अपना टोटल अभी कितना पैसा ले गई है गाड़ी मॉडिफिकेशन के अंदर? 80,000 रुपए के आसपास। तो भाई जैसा भाई ने बताया म्यूजिक सिस्टम अलॉय वगैरह बाकी जो भी जितना भी कस्टमाइजेशन हो रही है 80,000 रुपीज के आसपास भाई पूरी कस्टमाइजेशन गाड़ी के अंदर लगी है। बाकी अपने भाई लास्ट में एक बार अपने इंस्टाग्राम हैंडल बता दो मेरे सारे भाइयों को। भैया अनिरुद्ध पंडित 6783। तो अनिरुद्ध पंडित 6783 भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच भाई आज की वीडियो के लिए। तो भाई लोगों एंड में ये बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, कोई भी क्वारी तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।